नेता लोग हर बार जनता को कहीं ना कहीं ठग कर और उसके बाद दिल्ली में जाकर बैठ जाते हैं। आपका एजेंडा क्या होगा अगर शिवहर की जनता आपको मौका देती है तो आप युवा के लिए खास करके क्या करेंगे? देखिए युवा मेरा आधार है जी। अगर मैं चुनाव यहाँ से जीत करके जाता हूँ तो सबसे बड़ा अधिकार और सबसे बड़ा जो है उसके पीछे योगदान युवा का है जी। जो मान सम्मान उनको मिलेगा, मुद्दे छोटे बड़े हर तरह के होते हैं। कभी किसी के साथ गलत हो रहा हो, जमीन हड़पा जा रहा है वो भी एक मुद्दा है जी। सड़क की समस्या वो भी एक मुद्दा है। और ताकत जब लोगों को दे दीजिएगा ना, अगर आप युवाओं की बात कर रहे हैं तो युवा कहीं ना कहीं दिल से बड़ा ईमानदार होता है और देशभक्त होता है। अपने गांव अपने इसकी चिंता करता है, मेरे गांव का विद्यालय नहीं चल रहा है। तो जिस दिन मैंने ताकत युवाओं के हाथ में ले ली है, जब युवा का सांसद होगा तो ताकत युवाओं के हाथ में होगी तो स्कूल चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसको सुनिश्चित युवा करेगा। सड़क जो बन रहा है उसकी जो गुणवत्ता है वो सही है कि नहीं वो युवा करेगा। तो मैं जब चुनाव जीत करके जाऊंगा तो वो अपनी ताकत में युवाओं के हाथ में दूंगा। एक एक युवा राणा रंजीत के रूप में अपने पंचायत अपने वार्ड में काम करेगा और कुछ गलत कोई अन्याय कोई भ्रष्टाचार नहीं होने देगा। अच्छा, जाते जाते शिवहर की जनता और यहाँ से जो जीतने प्रत्याशी है जो दावा ठोक रहे हैं जीतने के लिए क्या कुछ कहिएगा इस सब? देखिए प्रत्याशी जो आ रहे हैं उनसे केवल पूछ लीजिए कि यहाँ पे आप 17 प्रखंड का नाम बता जी, उसमें बेचारे तिल मिला जाएंगे। कितना प्रखंड है वही नहीं जानते होंगे। तो ये प्रत्याशी बन जाना, बाहर से आके बाहरी आदमी आके टिकट लेकर के, इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा। इस बार व्यक्ति विशेष पे वोटिंग होगा, शिवहर के बेटे को ही वोटिंग किया जाएगा। अब जाइए ना, अगली बार जाइएगा तो पूछिएगा कितना प्रखंड है कितना पंचायत है, 50 पंचायत का नाम पूछवा लीजिएगा। क्या लग रहा है इस बार शिवहर की जनता मन बना चुकी है कि लोकल उम्मीदवार को यहाँ से जिताएंगे? बिल्कुल, आप चले जाइए किसी चौचाई की दुकान पे अपना पब्लिक ओपिनियन करके देख लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। किसी न किसी शिवहर के बेटे को हम लोग जिताएंगे और अपना वोट उसको देंगे, क्योंकि बाहरी ने जो है गिद्ध की तरह नजर हमारे शिवहर बेलसंड कुछ जगहों पे रखा हुआ है, अब इसको और नहीं होने देंगे और किसी न किसी लोकल शिवहर के बेटा को चुनाव जिताएंगे। राणा रंजीत चुनाव नहीं लड़ेगा, शिवहर चुनाव लड़ेगा। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल, जो पहली बार इस बार वोट देने के लिए तैयार हुए यानी कि 18 साल जिनका पहला बार नाम आया है उनके लिए क्या कुछ कहें? ज्यादा वही वर्ग मतलब पहली बार रहता है तो बलगला दिया जाता है उनको। देखिए 18 साल जो पहली बार वोटर होते हैं बड़ा उत्साह होता है, वोट करूं और मैं अपने अगल बगल के इलाके में विकास कैसे हो, जो सरकारी सुविधाएं धरातल पर कैसे उतरे, वृद्धा पेंशन मिले और जो सामाजिक काम होते हैं वो ढंग से चले, सुचारू रूप से विद्यालय चले, अस्पताल चले, पीएससी के जो है छोटे छोटे सेंटर्स खुले हैं उसे भूसा रखा रहता है। तो युवाओं के हाथ में शक्ति में दूंगा, युवा मुझ पर विश्वास दिखाए और आप यहाँ के सांसद होंगे, मैं यहाँ का सांसद नहीं हूँ। वो ताकत युवाओं में मिलेगा और जब एक एक युवा एक सांसद के रूप में काम करना शुरू करेगा अपने वार्ड अपने पंचायत अपने विधानसभा संसदीय क्षेत्र में अपने आप विकास होगा और सारी सरकारी योजनाएं भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएंगी और ईमानदारी से धरातल पे उतरेंगे। अच्छा, शिवहर में घूम रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है आपके प्रति शिवहर के जनता के? देखिए माहौल इस बार है कि शिवहर के बेटे के रूप में मैं अकेला एक कैंडिडेट हूँ और एक और निर्दलीय कैंडिडेट होंगे तो हम दोनों बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि चार कोणीय लड़ाई होगी और उसमें बढ़त जो है क्योंकि अकेलियत समाज का 60-70% साथ मिल रहा है और यहाँ सबसे मजबूत जनसंख्या उनकी है, उनका ताकत है। मेरी शुरुआत 2.5 लाख वोट फिक्स है, उसमें कहीं कोई जो है शंका नहीं, 2 से 2.5 लाख फिक्स है। अब यहाँ से मेरा अपना युवाओं का वोट, यहाँ पे सीताराम बाबू का वोट, मेरा अपना व्यक्तिगत जो हम लोगों ने बनाया है उसका वोट, तो हम लोग आराम से यहाँ पर। कुछ युवा यहाँ कह रहे हैं कि अगर राणा रंजीत भैया जीतेंगे तो क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत कुछ करेंगे, उस पर हर क्षेत्र में जो युवा चाहेगा वही होगा क्योंकि ताकत युवाओं के हाथ में देगा। स्टेडियम बनाने की बात होगी, स्कूल या बाकी और भी जो इस तरह की युवाओं को लेकर के, छोटा रिचार्ज नहीं करना है, परमानेंट रिचार्ज करना है, क्योंकि यहाँ क्षण भर की राजनीति करनी नहीं है। हमारे पिताजी 20-25 साल सक्रिय राजनीति में रहे और हम लोग पिताजी ने जहाँ छोड़ा है मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ, उसी हिसाब से 25-30 साल की एक राजनीति होगी। शिवहर एक नेता विहीन हो गया है, पंडित रघुनाथ झा, अनवारुल हक साहब, मोतीउर रहमान साहब, सीताराम बाबू जैसे नेताओं को शिवहर ने पैदा किया, लेकिन आज देखिए एक नेता है हमारे शिवहर, सहरसा और सीतामढ़ी और कहां कहां से बाहर के लोग आएंगे, इस बार उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा, किसी न किसी लोकल को जीता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप राणा रंजीत जी को सुन रहे थे कि उनका विचार और शिवहर लोकसभा सीट में जिस तरीके से अब चुनावी मैदान में ताल ठोक चुके हैं, अब
इनकी भी चर्चा शिवहर लोकसभा सीट में खूब हो रही है, खास करके युवा और मुस्लिम वर्ग जिसकी संख्या यहाँ पर लगभग 3.5 लाख बताया जाता है, उनके बीच में इनका पकड़ काफी ज्यादा बताया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि स्टार पार्टी में भी शामिल हो रहे और भगवा कलर में भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लगातार जिस तरीके से हम लोग चुनावी यात्रा पर हैं, आज शिवहर लोकसभा सीट की बात की है, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बिहार 104 देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।